गाइज आज है 27 सितंबर और अभी दोपहर के 2:17 हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। हे गाइज, वेलकम बैक इन अ न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है 27 सितंबर और गाइज अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:17, जैसा कि आपने अभी देखा। और गाइज जैसा कि आपने कैप्शन और थंबनेल देखा, गाइज फाइनली ऑर्डर हो चुका है अपना न्यू फ़ोन फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में, ठीक है। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमने कौन सा फ़ोन ऑर्डर किया है और गाइज मैं कौन कौन सा फ़ोन प्लान कर रहा था, कितना प्राइस पड़ा, सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो और एक्साइटमेंट लेवल है गाइज वो बहुत ज़्यादा है अपना फ़ोन का, ठीक है। और ऑर्डर हो चुका है फाइनली, 30 सितंबर तक अपना फ़ोन डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। और जो ये मेरा फ़ोन है Realme 5i, ये हमने एक्सचेंज नहीं किया है क्योंकि भाई ये भी फ़ोन सही है, ठीक है। बस इसका डिस्प्ले टूट गया था इसलिए मेरे को न्यू फ़ोन लेना पड़ा, नहीं तो भाई ये फ़ोन भी सही है, ठीक है। और ये फ़ोन भी मेरे को सही लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ अपने न्यू फ़ोन के बारे में, कौन सा हमने ऑर्डर किया है और कौन कौन सा प्लान कर रहा था मैं, ठीक है। और सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा, तो गाइज वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। अभी तक गाइज मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, गाइज स्टडी स्टोरी के स्क्रीन पे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जोर से फॉलो कर लीजिएगा, वहीं पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। तो चलिए गाइज आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो लेट्स गो। सो गाइज मैंने सेटअप कर लिया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने ट्राइपॉड लगा दिया है और अभी मैं आपको सोफ़ा पर बैठकर सारा कुछ बताऊंगा। और यहाँ पर मैंने लैपटॉप भी ऑन कर लिया है, इसमें फ्लिपकार्ट ओपन करके फ़ोन का स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ कि कौन सा मैंने फ़ोन ऑर्डर किया है। सो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा फ़ोन हमने ऑर्डर किया है और गाइज कौन कौन सा फ़ोन प्लान कर रहे थे और कितना हमारा बजट था, सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। और गाइज मैंने लैपटॉप पे जो ऑर्डर किया वो फ़ोन है वो निकाल लिया मैंने, ठीक है। मैं आपको लास्ट में स्पेसिफिकेशन बताऊँगा इसलिए। तो गाइज पहले मैं आपको बजट बताता हूँ, तो गाइज हमारा बजट था 28 से 29,000, ठीक है। और गाइज मैं प्लान कर रहा था एंड्रॉयड ही फ़ोन, ठीक है। और गाइज उसी बीच मैंने देखा फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज पे iPhone 11 गाइज 29,000 का मिलने वाला है, तो गाइज मेरा पूरा मन बैठ गया। और क्योंकि भाई बहुत अच्छा फ़ोन है, उसका कैमरा भी मस्त है, ब्लॉगिंग के लिए अच्छा फ़ोन हो जाता है, ठीक है। तो मेरा पूरा मन बैठ गया था उस पर, घर वाले भी तैयार थे, पापा भी रेडी थे, तो पूरा मन बैठ गया था। जैसे कि 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा था, तो 22 सितंबर को रात 12 बजे हम लोग सोचे थे ऑर्डर करेंगे। और फ़ोन भी सिलेक्ट कर लिया था, फाइनल कर लिया था iPhone 11 पूरा, ठीक है। और गाइज इसका एक्चुअल प्राइस दिखा रहा था 33 to 34,000, ठीक है। और भाई रात में जब हम लोग चेक किए तो उसका प्राइस लो नहीं हुआ 12 बजे रात में, ठीक है। तो भाई लो नहीं हुआ तब पर ही पापा तैयार थे वो वाला फ़ोन लेने को, iPhone 11 33-34,000 में। लेकिन फिर हम लोग सोचे सुबह तक वेट करते हैं, सुबह तक कम हो गया तो फिर सुबह में ले लेंगे, ठीक है। तो भाई सुबह भी कम नहीं हुआ, सुबह और 1,000 बढ़ गया, ठीक है। और भाई बहुत सारे लोग ले भी लिए होंगे 29,000 में, ठीक है। लेकिन हम लोग नहीं किए, कार्ड वगैरह लगा के हो रहा था कम, लेकिन हम लोग नहीं किए। तो सुबह भाई और 1,000 बढ़ गया, तो फिर भाई मेरा मूड आईफोन से उतर गया, ठीक है। फिर मैं सोचा एंड्रॉयड ही ले लेते हैं, जो हमारा बजट है 28-29,000 उसी में एक एंड्रॉयड मस्त ले लेते हैं, ठीक है। अब वैसे भी एक आईफोन है ही हमारे पास, तो भाई फिर मैं एंड्रॉयड सर्च करने लगा और मैंने बहुत सारे एंड्रॉयड्स भी देखा इस प्राइस में। रियलमी का GT Neo 3T भी देखा और फिर OnePlus का भी देखा, Nothing Phone 1 भी देखा, IQ Neo 6 भी देखा और Poco का भी देखा, बहुत सारे फ़ोन देखा, फिर सबका कंपेरिजन अनबॉक्सिंग सारा कुछ देखा। और गाइज मैं फाइनल किया फिर Realme का GT Neo 3T, ठीक है। ये न्यू लॉन्च भी हुआ है और गाइज इसका प्रोसेसर भी अच्छा है, Snapdragon 870, ठीक है। तो सब इसका ओवरऑल मेरे को ये सही लगा, ये फ़ोन 6GB RAM 128GB ROM वाला वेरिएंट, ठीक है। और मेरे को ये सब परफेक्ट लगा, ब्लैक कलर में मस्त लगा। और गाइज मैंने इसको फाइनल कर दिया, ठीक है। और 26,000 का ये पड़ रहा था, ठीक है। तो यही फाइनल किया और यही फाइनली ऑर्डर भी हुआ, ठीक है। और फाइनली हम लोग बाय कर चुके हैं Realme का GT Neo 3T और भाई 30 सितंबर तक आ जाएगा अपना फ़ोन। और मैं आपको इसका स्पेसिफिकेशन भी बता देता हूँ, तो भाई हम लोग ने ऑर्डर किया है 6GB RAM और 128GB ROM वाला वेरिएंट, ठीक है। और भाई 6.62 इंच का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले आता है और गाइज रियर कैमरा 64MP+8MP+2MP का पूरा सेटअप मिलता है। गाइज आपको फ्रंट कैमरा 16MP का मिल जाता है और प्रोसेसर इसमें गाइज Snapdragon 870 है, ठीक है। 5000mAh का बैटरी मिल जाता है और 80W का सुपर डार्ट चार्जर मिल जाता है, ठीक है। तो भाई ये मेरे को बिल्कुल सही लगा, ठीक है। और फाइनली यही फ़ोन मैंने ऑर्डर करवा दिया है और अब इंतज़ार है बस इसका आने का, ठीक है। तो आप लोग को बताइएगा ज़रूर से आपको ये फ़ोन कैसा लगा और कैसा मेरा डिसीजन था। मैंने भी आप लोग से पूछा था इंस्टाग्राम पे, बहुत लोगों ने यही बताया Realme का GT Neo 3T, ठीक है, 5G फ़ोन है, सही मेरे को लगा, ठीक है।
और भाई फाइनली अपना न्यू फोन अब आने वाला है, रियलमी जी टी न्यू 3T। नाम थोड़ा लंबा है ठीक है, लेकिन फाइनली ऑर्डर हो चुका है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। और बस ये है, तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा आपको ये डिसीजन कैसा लगा, ये फ़ोन आपको कैसा लगा ठीक है। और ब्लैक कलर में मैंने ऑर्डर किया है और कुछ दिनों में अब ये आ जाएगा, तो मैं आपको अनबॉक्सिंग वीडियो सारा कुछ दिखाऊंगा ठीक है, और आपको फोटो शो हो गया होगा स्क्रीन पे कैसा फ़ोन है ठीक है। तो बस ये था पूरा, यही चीज़ मैंने ऑर्डर किया है बिग बिलियन डेज में, और भी कपड़े वगैरह ऑर्डर हुआ है ठीक है, और वैसे और मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया है ठीक है, और करूँगा तो आपको पता चल ही जाएगा। और अभी तक मैंने एयरपॉड्स का अनबॉक्सिंग भी नहीं डाला है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा ठीक है, फ़ोन वाले वीडियो के बाद आपको देखने को मिल जाएगा एयरपॉड्स का भी अनबॉक्सिंग ठीक है। तो ये पूरा सीन है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर से बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद पड़ा होगा, तो वीडियो पसंद पड़ा है तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे गाइज नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। अभी तक गाइज इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया गाइज, 2020 के स्क्रीन पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जोर से फॉलो कर लीजिएगा, वहीं पर मैं अपडेट्स देता रहता हूँ ठीक है। और भाई अब आपको वीडियो क्वालिटी इंप्रूव देखने को मिलेगा जब फ़ोन आ जाएगा तो ठीक है, और उसमें कैमरा अच्छा है, अभी आएगा तो मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा, अच्छा कैमरा है 4K प्लस 60fps का भी है, तो सब सही है, आएगा फ़ोन तो मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा ही ठीक है। तो भाई चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आपको न्यू फ़ोन के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में ठीक है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।